स्वर वाचन करते हैं। वसूनि वांछन वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण गुरुपदिष्टे नरिपौ सुते पिवा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। यहाँ दुर्योधन का ही वर्णन चल रहा है वनेचर के द्वारा। युधिष्ठिर को बताया जा रहा है कि दुर्योधन किस प्रकार से राजपाट कर रहा है। अभी तो जो उपाय चतुष्टय थे साम दान दंड भेद, गत पद्य में 12वें पद्य में साम और दान का प्रयोग आया था, अब आ रहा है दंड विधान उसका। तो देखिए इसमें सबसे पहले अन्वय पे चलिए। अन्वय पे निहंति इसमें क्रिया है और निहंति का मतलब होता है रोकना। और कौन रोक रहा है? तो सह निहंति, वह रोकता है। किस चीज़ को रोकता है? धर्म विप्लवम, धर्म के उल्लंघन को, धर्म में होने वाली बाधा को। और वह कैसा है? वह दुर्योधन वसी यानी वश में रखने वाला। किस चीज़ को वश में रखने वाला? अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला। तो ये मुख्य क्रिया हुई कि वसी सह धर्म विप्लवम निहंति, धर्म के उल्लंघन को रोकता है। अब किस प्रकार से रोकता है, विधि क्या अपनाता है? तो वसूनी वांछन न, वसूनी यानी धनों को, वसु कहते हैं धन को, वसुधा इसी से नाम पड़ता है पृथ्वी का, वसु यानी धन। वांछन न, चाहता हुआ नहीं, धन को चाहता हुआ नहीं। इसका क्या अभिप्राय है? दंड विधान में आपको पता है कि दंड विधान दो तरह के होते हैं, सजा मिलती है या फिर सजा नहीं लेना चाहते हो तो जुर्माना भी भुगत सकते हैं। कई बार आपने लिखा हुआ देखा होगा कि या तो 6 माह की सजा होगी या फिर 5,000 रुपये जुर्माना होगा। तो दंड व्यवस्था में दोनों तरह के मेथड होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वसूनी वांछन न, धन को चाहता हुआ नहीं, यानी धन नहीं चाहता है वो कि धन लेने की वजह से दंड लगा रहा है लोगों पर। न मन्युना, मन्यु यानी होता क्रोध, क्रोध को भी क्रोध के कारण भी वह किसी को दंड नहीं देता है, यानी कि अनायास कि क्रोध आ गया किसी के प्रति और जैसे उसने मुझे अपशब्द कहे, क्रोध आ गया और उसको कह दिया कि इसको 4 कोड़े मारो, इसको 100 कोड़े मारो। तो इस तरह का क्रोध की वशीभूत होकर भी वह किसी को दंड नहीं देता है। लिखा किंतु, किंतु यानी परंतु, निवृत्त कारण है स्वधर्म इत्येव, निवृत्त कारण है, कारणों से निवृत्त हुआ जो भी क्रोध आदि जो कारण है जिसकी वजह से लोगों के मन में किसी को दंड देने का भाव आता है, उन सब कारणों से निवृत्त होकर स्वधर्म इत्येव, स्वधर्म इति एव, ये इन्वर्टेड कोमा में है, अपना धर्म ही है, मेरा धर्म ही है। क्या है मेरा धर्म? अर्थात राजा का ये धर्म ही है कि वह अपराधी को दंड दे और निरअपराध को छोड़ दे। इस प्रकार का सोचकर गुरु उपदेष्टेन दंडेन, गुरुओं के द्वारा उपदिष्ट किए गए दंड के द्वारा, गुरु यानी बड़े, गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बड़े, तो उससे बड़े उम्र में बड़े हैं आपको पता है, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं इत्यादि सब। इसके साथ ही आगे है यण संधि, अपवर्गेशु क्रिया, अपवर्गेशु अनुजीवी सात्कृता, क्रिया की समाप्ति हो जाने पर अनुजीवी सात्कृता, अनुजीवियों के प्रति यानी कि सेवकों के प्रति कृता की गई जो भी है उसकी कृतज्ञता यानी कि दान दक्षिणा आदि, अस्य संपदः वदन्ति, कृतज्ञताम अस्य संपदः वदन्ति, इस कृतज्ञता को इसकी संपत्तियां कह रहे हैं। देखो भाव को समझो आप शब्दों को समझने के बाद, शब्द आपको समझ में आ गए होंगे, अनुवाद को पढ़ लो एक बार फिर मैं और समझाती हूँ। दूत दुर्योधन बताता है, ये इसका आप संदर्भ प्रसंग भी लिखेंगे, यहाँ पे सामने स्क्रीन में नहीं है। तो संदर्भ और प्रसंग, संदर्भ आपको पता है कि इस ग्रंथ के बारे में बताना है कि प्रस्तुत पद्य कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत पद्य महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। फिर आप प्रसंग बताएंगे कि इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। तो इस श्लोक में वनेचर दुर्योधन की भेद नीति निपुणता को बताता हुआ कहता है कि शंकित रहता हुआ भी, ये हाइफन से पहले जो बात आती है वो एक तरह से आपका प्रसंग ही है, श्लोक का प्रसंग आ जाता है इसमें। शंकित रहता हुआ भी वह दुर्योधन सर्वत्र आत्मीयजनों को रक्षक नियुक्त करके असंकित आकार चेष्टा को प्राप्त करता है, अशंकित आकार चेष्टा को प्राप्त करता है, अर्थात स्वयं अविश्वस्त रहता हुआ भी विश्वस्त की तरह व्यवहार करता है। बहुत अधिक विश्वास वाला, भाई मैं तो बहुत, मुझे किसी का डर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया था, ऐसा दिखाता है। तथा कार्य समाप्त कर देने पर सेवकों को दी हुई संपत्तियां इसकी कृतज्ञता कहती रहती हैं। आप इसको लौकिक उदाहरण से समझिए कि
जैसे मान लो आपने किसी से काम कराया, काम कराने के बाद में उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया तो आपने उसे टिप दी, उपहार दिया, तो जितना बड़ा आपका उपहार होगा उतने ही बड़े आपके मन की प्रसन्नता झलकेगी कि आप उससे बहुत प्रसन्न हैं। किसी ने किसी को काम करने पर 100 रुपये का उपहार दिया, 100 रुपये की टिप दी, तो इसका मतलब कम प्रसन्न है। पर किसी ने तुरंत ही निकाल के 1000 रुपये दे दिए, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा वो प्रसन्न है और उस वो बहुत कृतज्ञ है, बहुत उदार दिल वाला है। इस तरह से उसकी कृतज्ञता को कहती हैं अनुजीवियों को दी गई संपत्तियाँ, यानी कि बहुत खुले दिल से वो लोगों को काम करवाता है। पहले तो काम कराने के बाद में उनको उनके वेतन के अलावा बोनस के रूप में और बहुत सारी चीज़ें देता है, उनको खुश रखता है। तो इस प्रकार किसी के साथ दंड, अगर जैसे कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बातों से ना माने तो फिर लात मतलब दंड मारो, दंड दो उसको, डंडे से मारो। तो वो ये फिर आता है आपका साम दाम दंड और भेद। भेद का मतलब होता है फूट डालना, अलग थलग करना उसे। उन दोनों में जैसे आप देखते हैं कि जब दो राजा आपस में मित्रता करते हैं और मित्रता करके किसी पे आक्रमण करने की सोचते हैं, तो राजा अपनी राजनीति का प्रयोग करके उन दोनों में फूट डलवा देता है कुछ, किसी भी तरह से गुप्तचर भेज के या किसी भी तरह से भेद ये भेज के वहाँ पर, तो होता है भेद डालना। ये राजनीति के 4 उपाय हैं और इनका प्रयोग अच्छा राजनीतिज्ञ ही कर सकता है। इसी तरह से ये तो राजाओं के संदर्भ में हुआ और साधारण इंसानों के संदर्भ में भी ये होता है कि किसी को समझा के मना सकते हैं, कोई समझा के ना माने तो उसे डांट के मनाएंगे, डांट के नहीं माने तो उसे दान दे के मनाएंगे। इस तरह के ये उपाय किए जाते हैं, हम भी करते हैं अपने दैनिक जीवन में। जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में भी आप देखते होंगे कि किसी से बातचीत से ही बार काम चल जाता है और किसी से नहीं चलता तो उसको डांट फटकारना पड़ता है। तो किसी के प्रति आपको गुस्सा दिखाना पड़ता है, किसी के प्रति आप नम्र रहते हैं। साम दाम दंड भी साधारण जीवन में।